बहुत अच्छे बातें सभी विद्वानों से सुनी और सबने करीब करीब जो उद्देश्य है हमारा उसके बारे में चर्चा की। मुझे विषय को सुनकर समझकर एक थोड़ा सुख का अनुभव हो रहा है कि हम जैन समाज में जो बुद्धिजीवी हैं उनके मन में एक पीड़ा उत्पन्न हुई है। वो क्या कि हम कर क्या रहे हैं, समाज में जो एक बुराई के रूप में एक स्थिति बन रही है और वो क्या रहा है उसके बारे में चिंता भाई कि स्वाध्याय महत्वपूर्ण है या पूजा महत्वपूर्ण है, ये क्यों आया, ये चिंतन क्यों आया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हजार साधर्मियों का समूह है जो आते हैं पूजन में, दो दो घंटे पूजन करके चले जाते हैं, परंतु स्वाध्याय में शायद 2 मिनट दे दें, कोई 10 मिनट दे दें, कोई 5 मिनट दे दें, कोई नहीं भी दे। ऐसा अनुभव होता है और वह पूजा करके चला जाता है, सिर्फ पूजा करता है, दिखाता है, समझता नहीं है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि समझ के करें क्या करें, हमारे पूर्व आचार्यों ने जो शास्त्रों में लिखा है, जो श्रावक के छठ आवश्यकों में पूजन का महत्व बताया है, वह गलत नहीं बताया, वह तो बहुत आवश्यक ही है, बहुत आवश्यक है। कैसे, जब बच्चा पैदा होता है किसी घर में तो प्रथम हम उस बच्चे को संस्कार देते हैं 45 दिन के बाद, और उसके कान में क्या करते हैं, नमोकार सुनाते हैं। वो मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ होगा, पूर्व में जैन भी नहीं होगा तो हम उसको जैन बनाते हैं, हम उसको जैन बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जैन कुल में आया है और ये आगे बढ़कर जैन कुल को आगे बढ़ाए और इसके अनुसार जैन धर्म सबसे उत्तम, सबसे पूर्व, सबसे पुराना आदिनाथ भगवान से भी पूर्व जो सच्चे सुख को बता के गया है, सच्चे सुख को दे रहा है, सच्चे सुख को हमारी जिम्मेवारी बता रही है, वह यह बच्चा भी प्राप्त करे। ऐसी भावना माँ बाप के जो रिश्तेदार आते हैं उनके मन में होती है और जब वो 45 दिन के बाद में जब संस्कार दिए जाते हैं कि भाई तेरे को जैन कुल के संस्कारों का पालन करना होगा, क्या देव दर्शन, छना पानी पीना, अपक्ष को नहीं खाना, पूजन करना आदि आदि जो भी हम समझाते हैं, और 8 साल तक, 8 साल एक अंतर बहुत कम, माँ बाप की जिम्मेवारी हो जाती है कि उस अनाड़ी बच्चे को, अनाड़ी बोलेंगे जब तक वो समझदार नहीं है, उसके संस्कारों का पालन किया जाए और 8 साल बाद उसको हम संस्कार पुनः देते हैं, पुनः संस्कार करते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, आगे से तुमको ये ऐसा ऐसा, हम जैन हैं, हमें इस तरह से पालन करना चाहिए, और वह करता है। 8 साल तक बाबा क्या करते हैं,
मंदिर में आएंगे, मंदिर में लेके आएंगे, देखो ढोक दो, नमोकार सिखाएंगे, जैसा बड़ा होता जाएगा पूजन भी सिखाएंगे। पूजन सिखाते हैं, उसको सिखाना चाहिए। जय करो, जय जिनेन्द्र करो, हम उसको संस्कार दे रहे हैं। पूजा भी हमने सिखाई, संस्कार जरूरी है। क्यों जरूरी है? तुरंत बच्चा पैदा होगा तो उसको क्या जरूरी है, दूध या रावड़ी या रोटी, बताइए क्या जरूरी है? दूध चाहिए। बच्चा पैदा है, छोटा है, अभी दान भी नहीं है, उसको हम चाहें कि ये स्वाध्याय कर ले तो भी उचित नहीं। हम चाहेंगे कि वह बड़े